सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्पेशल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कुछ देर रुक जाइएगा, बने रहिएगा, और अगर पुराने हैं तो अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिएगा। देखिए, जो 4 तारीख को आपकी ये प्रतियोगिता होगी, इसकी स्टार्टिंग 1 तारीख से होगी। 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक जो भी प्रश्न बताए जाएंगे, वही प्रश्न 4 तारीख को पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप पढ़ो और जीतो प्रतियोगिता में ज़रूर हिस्सा लें, और जीतें 100 रुपये से ज़्यादा सही उत्तर देने पर जवाब। तो 100 रुपये से ज़्यादा का पुरस्कार आपको मिलेगा सिर्फ मात्र एक वीडियो देखने पर। तो चलिए, अगर आप बने रहेंगे तो आपको यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के ज्ञान में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मधुमक्खियों नन एवं प्रबंधन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एपिकल्चर, मतलब मधुमक्खियों को पालना जो है क्या कहलाता है, तो एपिकल्चर के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है, तो रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के है। वहीं आगे बात करें तो कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है, तो सीमेंट कहलाता है। वहीं आगे बात करें तो खट्टे फलों में क्या होता है, तो खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक जूल होता है। वहीं आगे बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC को किस नाम से जाना जाता है, तो हम क्या बताएंगे, CFC का मतलब होता है फ्रेयान। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है उसे कहते हैं एक्वा रेजिया। शायद ये आज पहली बार आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है, तो जॉन डाल्टन को माना जाता है। वहीं आगे बात करें तो सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग करते हैं, तो चूंकि हमको पता है कि आगे के दांतों का प्रयोग करते हैं और आगे के दांतों को कृंतक कहा जाता है, जो कि काटने में प्रयोग किया जाता है उसे कृंतक कहते हैं। कौन से दो रंग को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है, तो अगर आप नारंगी और बैंगनी को मिला देंगे तो आपको हरा रंग मिल जाएगा। वहीं आगे बात करें तो RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसी तरह अगर हम बात करें DNA, तो DNA का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड उसका पूरा नाम होगा। वहीं अगर हम बात करें तो लोलक का संचलन क्या कहलाता है, तो लोलक का संचलन जो है दोलन गति कहलाती है। वहीं आगे बात करें तो वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो 78% नाइट्रोजन होता है। वहीं बात करें किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करने में करते हैं, तो रोगियों की जांच करने में जो चिकित्सक होते हैं वो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें तो मलेरिया संबंधित है, मलेरिया किससे संबंधित है, तो मलेरिया ज्वर से संबंधित है। वहीं आगे अगर हम बात करें तो रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है, तो इंसुलिन हार्मोन्स है जो कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके जो मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है इसे चूना जल के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो पत्तियों के जो हरे पदार्थ होते हैं उसे कहते हैं क्लोरोफिल। वहीं अगर हम बात करें तो पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है, तो देखिए पीतल जो है ऑक्सीजन, जो हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है उसी के कारण पीतल का रंग जो है उतर जाता है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो बार किसका मात्रक है, तो बार जो है वो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है।
फिर आगे बात करें तो ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो है ऊर्ध्वपातीकरण कहते हैं या उदात्तीकरण कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातीकरण या उदात्तीकरण ये दोनों चीज़ वही है कि ठोस से सीधे वाष्प में बदल दिया जाए। वहीं आगे अगर हम बात करें तो किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? तो सल्फाइड की परत, चांदी पर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है जिसकी वजह से चांदी जो होता है वो क्या हो जाता है, बदरंग हो जाता है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो चेचक के होने की वजह क्या है? तो चेचक के होने की वजह है वायरस। प्रतिरोध की यसाई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की यसाई इकाई क्या है, ओम है। वहीं अगर हम आगे चर्चा करें तो सबसे व्यस्त मानव अंग है, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है, तो दिल। बेचारा बिना मतलब के ही धड़कता रहता है। तो सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है, दिल है। और अगर आपका दिल अच्छा है, आपका दिल अच्छा है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए। चलिए आगे देखते हैं। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला सोडा वास्तव में क्या है? तो चूंकि हमको पता है खाने के सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, तो इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं अगर हम आगे बात करें तो अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की इकाई जीन है, क्योंकि किसी के जीन में परिवर्तन मतलब उसके अनुवांशिक गुणों में परिवर्तन। वहीं अगर हम आगे बात करें तो अनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रेगरी मेंडल ने अनुवांशिकता के खोज की थी। वहीं आगे चर्चा करते हैं कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना अपने परिवार द स्पीड स्टडी को। इतना बड़ा परिवार बना दीजिए कि लोग इसके बारे में ज़रूर जानें और देखें। तो दोस्तों हमारे कुछ पुराने वीडियोस हैं, जैसे कि सूरवीर महाराणा प्रताप के बारे में नॉलेज स्पेशल में मैंने इसको भी बताया था, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। वहीं अगर आपको ना पता हो तो 1 अगस्त से जो हमारी सीरीज शुरू हो रही है जियोग्राफी की टॉप 1000 क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चन में पूरी जियोग्राफी समाप्त कर देंगे, और साथ ही आपको मिलेंगे 100 रुपये का उपहार भी। अगर आप वीडियो देखते हैं तो हमारे लकी विनर को, लकी जो हमारे व्यूअर होंगे, लकी व्यूअर को 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और साथ ही जब महामैराथन लाई जाएगी जियोग्राफी की तो उसमें आपको मोबाइल फ़ोन जीतने का अवसर भी मिल सकता है। तो इसीलिए आज ही परिवार का सदस्य बने, द स्पीड स्टडी को और लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिए। धन्यवाद।